हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अगेन माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको सिखाने वाली हूँ फ्री हैंड आप किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए 8 साइज की शीट, पेंसिल, इरेजर एंड शार्पनर। तो हमें क्या करना है, हमें ड्रॉ करनी है एक लाइन। आप इसे स्ट्रेट भी ड्रॉ कर सकते हैं, डायगोनल भी ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको स्ट्रेट ही ड्रॉ करके दिखाने वाली हूँ। तो यहाँ मैं एक लाइन ड्रॉ करूँगी, हल्का सा कर्व में दूंगी। आप चाहें तो कर्व नहीं दे सकते, चाहें तो स्ट्रेट लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो मैं इसमें क्या करने वाली हूँ, हल्का सा थोड़ा सा बहुत थोड़ा सा कर्व दूंगी यहाँ पर। जैसे मैंने यहाँ पर नीचे के साइड थोड़ा सा कर्व दे दिया, कोई इशू नहीं है, वो हम बाद में रब कर लेंगे। तो हमें क्या करना है, फेस का मेजरमेंट ले लिया, फ्री हैंड ही लेना है फेस का मेजरमेंट, कोई भी आपको स्केल से ड्रॉ नहीं करना, ठीक है। फेस का मार्क लगाया यहाँ पर, हल्का सा पता चल जाता है कि फेस यहाँ पर है। शोल्डर्स लेने हैं, जैसे मैंने आपको सिखाए थे पोजेस में, शोल्डर्स आप अप कर सकते हो, डाउन कर सकते हो। यहाँ पर मैं आपको बस पॉइंट लगा कर दिखाने वाली हूँ। बस पॉइंट मैंने हल्का सा जो है टेढ़ी लाइन ड्रॉ की है। इसके बाद हमारी आ जाती है वेस्ट। वेस्ट हमारी सेम बस पॉइंट के जैसी होती है, हाफ हाफ इंचज़ में। तो यहाँ पर थोड़ी सी ज़्यादा हो गई थी, मैंने उसे इरेज कर दिया है। अगर आपको कहीं भी थोड़ा सा ज़्यादा लगे तो आप उसे इरेज कर लीजिए, कोई इशू नहीं है। तो अब मैं लेने वाली हूँ इसका ये पॉइंट। तो हमें क्या करना है, इसमें पोजेस के लिए शोल्डर्स अप डाउन, हिप पॉइंट अप एंड डाउन, तो इस तरह से हम दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ इस तरह से इसे कर्व दिया है, जिससे क्या होगा, हमारा एक बेस तैयार हो चुका है, शोल्डर, वेस्ट एंड हिप पॉइंट। अब हमें क्या करना है, अगर मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा शोल्डर मैंने यहाँ से ज़्यादा ले लिया है, तो मैं इसे यहाँ से करेक्ट कर देती हूँ। इसकी जो प्रैक्टिस आपको करती रहनी चाहिए, और अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको आएगी भी नहीं। और ये क्लासेस इसीलिए हो रही है ताकि आप घर बैठे फैशन डिज़ाइन कोर्स फ्री में सीख सकें। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी कुछ लेग्स ड्रॉ करेंगे। तो लेग्स के लिए हमें क्या करना है, आप इसे चाहे लेग्स में पोज दे सकते हो या स्ट्रेट भी ड्रॉ कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर कुछ पोज बनाने का ट्राई कर रही हूँ कि कुछ पोज बन जाए, सी क्या होता है। तो ये मैंने इसकी थाई स्ट्रो की है, अगर आपको कहीं भी लगता है कि थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है उसे उसी वक्त ठीक कर लीजिए, या फिर आप पहले अच्छे से बना लीजिए, फिर देखिए उसमें कहाँ कहाँ पर गलती हो रही है, और उसके बाद उसे करेक्ट कर दीजिए। ये जो लाइन मैंने बीच में करेक्ट की थी, अगर आपको प्रॉब्लम हो इससे तो आप इसे साथ के साथ ही इरेज कर दिया करो। इससे क्या होता है ना, ये लाइन मैंने इसलिए ड्रॉ की थी कि आपको एक आइडिया हो जाता है कि यहाँ पर आपको इस तरह से लेग्स ड्रॉ करने हैं। तो मैंने यहाँ पर इसके लेग्स ड्रॉ कर रही हूँ। ये जो हमारे लेग्स का ये बैक साइड का जो पार्ट होता है, हल्का सा बाहर की तरफ दिखता है, इसलिए इसमें मैंने थोड़ा सा दिखाने की कोशिश की है। थाइज मुझे कुछ ज़्यादा लग रही है, वो मैं यहाँ पर करेक्ट कर देती हूँ। अगर वीडियो में आपको कुछ समझ ना आए तो आप मुझे पर्सनली मैसेज करके पूछ सकते हैं इंस्टाग्राम या फिर मेल आईडी पर। तो दोनों ही लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तो यहाँ पर मैंने इसका थाइस पॉइंट दे दिया है, अगर आपको लगता है कहीं से गड़बड़ हो रही है साथ के साथ करेक्ट कर लीजिए, या फिर बाद में एक बार ड्रॉ करके तब करेक्ट कर लीजिए। अब मैं इसके लेग्स जो है वो थोड़ा सा ठीक कर दूंगी। अब हम फेस बनाएंगे। फेस देखिए मैंने किस तरीके से ड्रॉ किया है, फ्री हैंड बहुत ही ईजी तरीके से ड्रॉ हो जाता है। अगर आप बॉक्स के अंदर ड्रॉ करो ना तो थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। तो यहाँ मैंने फ्री हैंड ड्रॉ कर दिया है इसका फेस, जो कि बहुत अच्छा लग रहा है। ये जो फ्री हैंड ड्रॉ करते हैं ना, बहुत सारे तरीक़ों से होती है, लेकिन मैंने यहाँ पर आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बताया कि आप किस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। कुछ होते हैं जो सर्कल करके थोड़ा सा ड्रॉ करते हैं फ्री हैंड, वो मुझे नहीं आता, और वैसे भी वो सब थोड़ा सा जो हम बिगिनर्स होते हैं उन्हें थोड़ा सा मुश्किल होती है। ये जो आप करोगे ना, इसमें जैसे मैंने आपको सिखाया है, बहुत ही ईजीली आप सीख जाओगे। तो अब मैं यहाँ पर इसके हैंड्स ड्रॉ करने वाली हूँ। हैंड्स आप ध्यान रखिएगा, अगर शोल्डर्स ऊपर हैं, ऊपर की साइड उठे हुए हैं, तो शोल्डर्स की वजह से आपके हैंड्स की पोजीशन क्या होगी, ठीक है। या तो ये हो सकता है कि आपने शोल्डर्स उठे हुए हैं तो हैंड्स एकदम स्ट्रेट है, या फिर आपकी कमर पर है, वो ध्यान रखने वाली बात होती है। या फिर जो वॉक कर रहे होते हैं तो वॉक के तरीके से भी पोजेस डिसाइड होते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ इस तरीके का पोज दिया है, जैसे कि यहाँ पर एक शोल्डर उठा हुआ लग रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसके नीचे जो है, इसके हैंड के नीचे कुछ ऐसी चीज़ रख सकते हैं जिसमें ये हैंड अपना रख कर खड़ी हुई है, उसके सहारे से उस तरीके से उसे शो कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल मैं आपको पोजेस सिखा रही हूँ, फ्री हैंड ड्रॉ करना सिखा रही हूँ, तो अभी यहाँ पर कुछ शो नहीं कर रही हूँ। अब हमने इसका बस पॉइंट जो है रेडी कर लिया है।
हल्का सा ही आपको शो करना होता है, ज़्यादा नहीं करना होता, बहुत ही लाइट शूट कर दीजिए। ये जो आपको स्केच ड्रॉ करना है बहुत ही लाइट करना है, लाइट पेंसिल से। मैं तो यहाँ पर डार्क करके दिखा रही हूँ ताकि आप लोगों को नज़र आए, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की कि लाइट ही करूँ, क्योंकि डार्क ड्रॉ करते हैं तो वो रब करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। जितना हो सके लाइट ड्रॉ कीजिए, फिर इसके बाद आपको जो इसमें कलर करोगे फिर आपको दिक्कत आती है अगर आप डार्क ड्रॉ कर देते हो तो। कहीं से भी आपको कुछ भी लगे, ज़्यादा है कम है, तो आप उसे ठीक करते रहिए साथ के साथ। ओके, तो हमारी जो क्रोकरी है रेडी हो चुकी है। अब हम इसके लेग्स जो हैं फुट्स रेडी करने वाले हैं। फुट्स में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि इतना आइडिया नहीं होता मुझे फुट्स का, हील्स वगैरह नहीं बनानी आती मुझे अच्छे से, बट फिर भी मैं थोड़ी सी कोशिश कर देती हूँ। नॉर्मल मैंने बनाए हैं यहाँ पर, इसके हील्स वगैरह नहीं बनाए हैं, तो जब हम आगे वीडियो बनाएंगे कुछ ड्रेसेस की तब उसमें मैं थोड़ा सा हील्स बनाने की कोशिश करूँगी। तो ये हमारे जो इसके लेग्स हैं वो रेडी हो चुके हैं। यहाँ से थोड़ा ख़राब लग रहा है एक्चुअली, मैं इसे ठीक कर देती हूँ। एक तो क्या होता है ना, जब आपके लेग्स क्रॉस कर रहे होते हैं तो आपका जो सेकंड लेग है वो थोड़ा सा कम शो हो रहा होता है, तो इसमें मैंने यही दिखाने की कोशिश की है कि एक जो है वो थोड़ा कम शो हो रहा है। सो ये तो पूरी रेडी हो चुकी है। मैंने सोचा अब आपको दूसरी भी रेडी करके दिखा देती हूँ किस तरीके से आप बना सकते हो, क्योंकि एक से ज़्यादा अच्छे से समझ नहीं आता। सेम आपको लाइन ड्रॉ करनी है, इसके बाद आपको लेने हैं इसकी शोल्डर्स। यहाँ पर मैं बस पॉइंट नहीं ले रही हूँ, डायरेक्ट मैं वेस्ट का मार्क लगा रही हूँ, तो वेस्ट में यहाँ पर मैं लगा लेती हूँ हाफ हाफ इंचेस की, जो कि आप सभी को पता है मेज़रमेंट याद रहने चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम फ्री हैंड ड्रॉ कर रहे हैं तो याद नहीं होंगे, किस तरीके से भी ड्रॉ कर दें। सो यहाँ पर मैंने मार्क लगा लिया है, एक बेस तैयार कर लेती हूँ। बेस हमारा रेडी हो चुका है, अब इसी के अकॉर्डिंग हम इसके लेग्स ड्रॉ करेंगे। जितना हो सके पोजेस ट्राई कीजिए फ्री हैंड बनाने की, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए। अगर आप डायरेक्ट फ्री हैंड बना रहे हो तो सबसे पहले आप एक काम करो कि 10 हेड 12 हेड और ब्लॉक फिगर्स में जो मैंने आपको सिखाई हुई है पोजेस बनाना, वो आप पहले ट्राई करो, और उसके बाद फिर आप ये वाला वीडियो देखो उसे ट्राई करो। यहाँ मैंने इसकी लेग्स ड्रॉ कर दिए हैं, यहाँ पर मैंने इसकी नीज का पॉइंट दिखा दिया, ये लेग थोड़ा सा कम शो हो रहा है। अगर मुझसे कोई भी मिस्टेक हो जाए तो आप मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। ज़रूरी नहीं है मैं आपको सिखा रही हूँ तो मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ, आई एम नॉट परफेक्ट, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ आप लोगों को घर बैठे कुछ सिखाने की। तो ये लेग्स का जो बैक पार्ट है यहाँ पर मैंने वो शो किया है थोड़ा सा, ओके। आप ध्यान से देख लीजिए इसे, कहीं भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, प्रैक्टिस कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। मैं इसका फेस बना देती हूँ, फेस के साथ साथ मैंने इसके यहाँ पर थोड़े से हेयर्स भी ड्रॉ कर दिए। बस इतना सा करना है आपको और आपका फेस एकदम रेडी हो चुका है। आपको अलग से हेयर्स बनाने की नीड भी नहीं होती, बस आप थोड़ा सा कर्व दे दो और आपके हेयर्स रेडी हो चुके हैं। शोल्डर्स हमने दे ही दिए हैं, अब इसके हैंड्स जो है बना लेते हैं। हैंड्स एकदम रेडी हो चुके हैं। इसमें जो है मैं इसके वेस्ट पॉइंट पर इसके हैंड्स रखने वाली हूँ, लाइक कमर पे हाथ लगा के खड़ी है लड़की, तो कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर मैंने रेडी कर दी है। अब क्या है, मैं इसकी बस पॉइंट बना देती हूँ। हल्का सा ही शो करना होता है, मैंने आप सभी को बताया हुआ है, हल्का सा शो करें। इसके बाद हम बनाने वाले हैं इसके फुट्स। तो फुट्स के लिए आपको क्या करना है, या तो आप हील्स बनाने की प्रैक्टिस करिए, ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या करना है मैगजीन्स में से देखिए, आप कोई गूगल से फ़ोटोज़ डाउनलोड कीजिए, वहाँ पर पोजेस ट्राई कीजिए, हील्स बनाने की कोशिश कीजिए। तो ये रेडी हो चुके हैं, तो देखते रहिए इसी तरह से और सीखते रहिए घर बैठे फ्री फैशन डिज़ाइन ऑनलाइन कोर्स।
तो अगर आप और भी चीज़ें इसमें सीखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करिए, मैसेज करिए या फिर मेल कर दीजिए। वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताना, अगर कुछ गलती की है तो वो भी बता देना। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, साथ ही साथ वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा और मेरे चैनल को कर दें सब्सक्राइब। ऐसे ही वीडियोस और भी ज़्यादा देखने के लिए बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। जल्दी ही मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।